हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का UP SSC वीडियो 2018 GK की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GK के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन प्रश्नों पर जो कि लगातार आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उन प्रश्नों को अभी से तैयार कर लें, क्योंकि वीडियो की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 22-23 दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, तो तैयारी ज़ोरों पर चल रही है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें और अंत तक देखें वीडियो को, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है। वही क्वेश्चन है जो वीडियो और UP SSC के एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करें, अंत तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ढेर सारे। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गौतम स्पेशल स्टडी मटेरियल्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मैं रोज़ाना इसे अपलोड कर देता हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि UP SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आपका ध्यानचंद्र पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर कितना नगद इनाम जो है दिया जाता है, 10 लाख, 25 लाख, 5 लाख या फिर 8 लाख। तो ये चार ऑप्शन है यहाँ पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड, 5 लाख की जो है धनराशि प्रदान की जाती है नगद के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, यानी कि विकल्प तीसरा जो है, थर्ड जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों यहां पर, वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, शाहजहां, जहांदार शाह जो था वो आपका पहला कठपुतली मुगल सम्राट था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र, सारंगी, वायलिन, मृदंग, संतूर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन फर्स्ट, सारंगी। उस्ताद बिंदा खान सारंगी बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो इनका जो सही आंसर होगा यहाँ पर सारंगी होगा। और इनके साथ साथ में और भी जो है प्रसिद्ध जो वादक थे, उनमें से जैसे कि सारंगी जो बजाया करते थे, तो आपके थे राम नायाज जी और आशिक अली खां, साबरी खां, संतोषी मित्रा, ध्रुव घोष। तो इनका सबका भी नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जाता है। स्थिति का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, व्यक्तिगत गुणों व स्थिति का सिद्धांत, या आनुवंशिक सिद्धांत यानी जेनेटिक थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड, बहुकारक का सिद्धांत। बहुकारक का जो सिद्धांत है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है, किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। विद्या बालन, रघुनाथ मासेलकर, युवराज सिंह, मोहम्मद अली बेग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सेकेंड आंसर इसका सही होगा, रघुनाथ मालेश्कर को जो है पद्मश्री का अवार्ड नहीं दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड जो है वो इंडिया का चौथा सबसे सम्मानित अवार्ड है। ये पुरस्कार दिया जाता है, पद्मश्री जो पुरस्कार दिया जाता है वो भारत देश का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है विद्या बालन को भी ये पुरस्कार दिया गया है, युवराज सिंह को भी और मोहम्मद अली बेग को भी। यहाँ रघुनाथ मालेश्कर को जो है इस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो विकल्प सेकेंड वाला होगा। तो इसका सही उत्तर है रघुनाथ मालेश्कर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर, वो है आपका ऑप्शन थर्ड, एडमिरल। एडमिरल जो होता है वो सबसे उच्च स्थान पे होता है, उच्चाधिकारी होता है यहाँ पर नौसेना में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर, वो है आपका ऑप्शन थर्ड।
अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, या भू राजस्व में 50% की कमी करना, या राजनीतिक कैदियों को रिहा करना? तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सेकंड, टू और एंड थर्ड, यानी दो और तीन, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये 11 सूत्री में जो है शामिल था। तो 11 सूत्री जो थे इन्हें इनकी लिस्ट एक है, आप इसे जो गूगल करेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो मिल जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का जो 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था उसको आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे, जिसमें से भू राजस्व में 50% कमी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, और डाक आरक्षण बिल पास किए जाना, और नमक जो टैक्स था, साल्ट टैक्स था, नमक समाप्ति किए जाएँ, एवं नमक पर जो है इसका सरकारी जो एकाधिकार था उसे भी समाप्त करना, और तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए। तो ऐसे जो है 11 सूत्री जो है ये चेतावनी था जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका वो होगा ऑप्शन सेकेंड, सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। ये जो 21 जून जून की जो स्थिति यानी जो कंडीशन होती है वो क्या होता है, कर्क संक्रांति कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, कर्क संक्रांति इसको कहा जाता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, सूर्य और कर्क रेखा, सूर्य जो है कर्क रेखा पर क्या होता है, वो लंबवत जो है चमकता है। कैसे लंबवत चमकता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, कर्क संक्रांति कहते हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि 21 जून को क्या होता है, तो जो 21 जून को क्या होता है कि आपका जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ क्या होगा कि सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। और जो आपका ये जो दक्षिणी दक्षिणी जो गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध वहाँ क्या होगा, छोटा दिन होता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो इसे आपको याद रखना होगा। और उसके बाद जो है अगर हम 21 मार्च की बात करें यहाँ पर जो है दिया हुआ है आंसर वो भी कंफ्यूज करने के लिए, तो 21 मार्च के बाद का जो होता है सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत भूमध्य रेखा में से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ जाती हैं, यानी उसकी तरफ बढ़ जाती हैं, जिससे क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा व रातें क्या होती हैं, छोटी होने लगती हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो होगा, आप जो है अपना आंसर नोट डाउन करते रहिएगा और कमेंट वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये जो बंगाल के विभाजन का विरोध का जो आंदोलन हुआ था ये आपका 1905 में हुआ था, तो ये आपको ईयर भी याद रखना होगा यहाँ पर। और जो डेट, अगर डेट की बात करें तो ये आपका 20 जुलाई को हुआ था। कब हुआ, 20 जुलाई को हुआ, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो 20 जुलाई जो दिया हुआ है डेट, तो ये जो है आपका जो अंग्रेज थे उनके द्वारा जो है घोषित किया गया कि बंगाल का क्या होगा, विभाजन होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो है इसमें जो है इसका विरोध होने लगा कि इसका विभाजन ना होने पाए, इसके लिए विरोध किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने उसका जो है एक आंदोलन छेड़ा, जिस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव यहाँ वहाँ पर पारित हुआ, क्योंकि एक बैठक हुई थी तो वहाँ पर ये सब चीज़ें हुई। तो ये कब हुआ, ये तो होते हुए उसके बाद जो है क्या हुआ, 16 अक्टूबर को जो है आपका 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, ये पूर्णतया
यानी कि बहिष्कार जो था वो होने लगा। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना होगा दो डेट कि 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ, ये अंग्रेज़ों के द्वारा इसे घोषित किया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ, ये पूर्णतया जो है यहाँ पर इसका जो विरोध स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर आपको जो स्वदेशी आंदोलन की जो बैठक हुई थी वो कब हुई, 16 अक्टूबर 1905 को। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्बस किस मेल निम्बस किस मेघ को दर्शाता है, पंख की तरह लगने वाले, मेघ की तरह लगने वाले, या वर्षा मेघ, या ऊपर से गोलाकार लगने वाले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन थर्ड, मेघ वर्षा मेघ। ये क्या होता है, घने काले बादल होते हैं, उन्हीं को जो हैवी रेनफॉल होता है उसी को ये दर्शाता है, निम्बस तो वर्षा मेघ को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सेकंड, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई, तो ये कब लागू की गई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सेकंड, 2013 को लागू की गई। तो इसको जो है आप याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है आपका सेकंड है, ये होगा आपका 20 अप्रैल 2013 को जो है ये लागू की गई। तो इसे आप याद रखिएगा डेट इसकी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, यानी कि प्रदान है या फिर प्राप्त है। अनुच्छेद आपको बताने हैं 123, 211, 213 या फिर 212। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका वो है विकल्प थर्ड, अनुच्छेद 213 में। ये उनके लिए जो जितने भी अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आपके अनुच्छेद 213 में दी हुई है। तो इसे आप जो है याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें से कौन सी किताब सरोजिनी द्वारा नहीं लिखी गई, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, द गोल्डन बर्ड। यहाँ बर्ड बर्थडे हो गया है, यहाँ पे गोल्डन बर्ड बर्ड होगा यहाँ पे दोस्तों, आप याद रखिएगा गोल्डन बर्ड ये बुक का नाम है। गोल्डन बर्ड जो है यहाँ पर सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेश होल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये सभी के सभी जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये आप इन बुक्स को याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर आप एक और बात आपको यहाँ पे बता दें, ये जो द ब्रोकन विंग बुक है इस यहाँ पे आपको जो है कंफ्यूज भी करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि द ब्रोकन विंग बुक के इसी शीर्षक से यानी कि इसी टाइटल से एक बुक और लिखी गई है, जिसको आपके खलील जिब्रान के द्वारा भी लिखी गई है। तो उसे भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन कहीं अगर खलील जिब्रान दिया हुआ है, सरोजिनी नायडू नहीं दिया हुआ है, तो आप वहाँ खलील जिब्रान को जो है मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द ब्रोकन विंग बुक जो है खलील जिब्रान के द्वारा भी लिखी गई है। और उसके बाद अगर बात करें द गोल्डन बर्ड बर्ड की, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं ग्रीम्स ब्रदर हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन थर्ड, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन फोर्थ, मध्य प्रदेश। वो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश है, इसे आप याद रखिएगा। ये और अगर ईयर की बात करें तो ये 2008 से जो है पब्लिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे ईयर जो होगा वो आपका 2008 में एट होगा। और जो समाचार जो इसकी अगर भाषा की बात करें तो ये इसमें बघेली भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। उसके बाद जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर या पब्लिश ईयर, और उसके बाद लैंग्वेज यानी कि भाषा कौन सी है, तो इन सब की को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। तो
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन थर्ड, गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका यहाँ पर गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, तुलुलु तुलुवा के राजवंश की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका वो होगा ऑप्शन फोर्थ, वीर नरसिंह। ये वीर नरसिंह के द्वारा स्थापना की गई और इनका जो शासन काल कह सकते हैं तो वो था इनका 1505 से लेकर इनका 1570, 1505 से लेकर 1570। तो ये आपको याद रखना होगा। और किसके द्वारा की गई स्थापना, जो यहाँ पर ये नरसा नायक दिए हुए हैं, नाम दिया हुआ है, तो नरसा नायक के ही ये पुत्र थे। वीर नरसिंह जो थे नरसा नायक के ही पुत्र थे जिन्होंने यहाँ पर तुलुल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा वीर नरसिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन थर्ड, मोहम्मद बिन कासिम। किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है पहली बार ये इनके भारत पर जो है आक्रमण किया गया था। और ये कब किया गया? तो ये आपका 711 ईस्वी में, कब किया गया? 711 ईस्वी में किया गया था। तो ये मोहम्मद बिन जो कासिम था उसके नेतृत्व में सबसे पहले कहा सिंध अरब पर आक्रमण हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर, 711 ईस्वी में आक्रमण हुआ। तो यहाँ पे आपको जो ईयर भी याद रखना है और कौन किया ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र या आयुर्वेद, योग वेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ, योग वेद एक जो है उपवेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कौन सा वो देश है जिसके देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी होगा, सेकंड होगा आपका, यानी कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। और अगर टोटल बात करें तो यहाँ पर यानी कि ये जो आपका भूमध्य रेखा होता है वो कितने देशों से होकर गुजरती है? तो उसकी जो टोटल जो नंबर है वो है 13, 13 नंबर से होकर गुजरती है। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पर किन किन देशों से गुजरती है। तो ये तो नहीं ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर कभी कभी ऑप्शन दे सकता है कि कितने देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपको 13 याद रखना होगा। और जो देश हैं शाओ टोम और प्रियसप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गण, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाटी या फिर इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, तो इन सभी से जो है होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन सेकंड, यहाँ पर 1983 में। कब की गई? 1983 में की गई यहाँ पर। तो आपको याद रखना होगा इसका सही उत्तर होगा 1983। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कितनी स्मार्ट सिटी घोषित की हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, 100 सिटी घोषित की गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है? जीवी रामकृष्णा, टीएन मालेगम, राकेश मोहन या आबिद हुसैन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आइए देख लेते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, जीवी रामकृष्णा जो है इससे संबंधित हैं विनिवेश आयोग से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है? कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है तो कहाँ स्थित है? सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क रहेगा। आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो है आपको सही आंसर करना होगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। दोस्तों आज की वीडियो में ये बस इतना ही, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सेशन को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे ढेर सारा शेयर करें। और
चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।